संक्रांति मंच पदयात्रा बरवाड़ा तालुकाना नावड़ा गाम खाते आवी पहोंचता गाम लोको द्वारा ढोल नगाड़ा साथे सामयू करवामां आव्यो हतो। तो किसानना अधिकार माटे पदयात्रा योजाई जेमां खेडूतोना प्रश्नो अंगे गामना आगेवानो साथे चर्चा विचार विमर्श करवामां आवेल छे। तो नावड़ा गाम द्वारा किसान क्रांति मंचना आगेवानो फूलोना हार पहेराविने करायो विशेष स्वागत सम्मान। आ यात्रा बोटाद जिल्लाना बरवाड़ा तालुकामां आवी पहोंची हती त्यारे नावड़ा गाम खाते सभा योजी खेडूतोना प्रश्नो अंगे चर्चा कराई हती। तेमज नावड़ा गामना आगेवानो द्वारा किसान क्रांति मंचना कन्वीनर हरपालसिंह चुडासमानुं स्वागत कर्युं हतुं। तेमज आ सभामां गामना लोको बहोळी संख्यामां उपस्थित रह्या हता। तो बरवाड़ा तालुकाना नावड़ा गामे वाते गाते किसान क्रांति मंचना आगेवानों नु करायो भव्य स्वागत सम्मान। देश में ये बहुत जरूरी है कि किसानों को जागरूक किया जाए, क्योंकि देश की जो सरकार है वो संवेदनहीन है। दिल्ली के बॉर्डर पे 700 किसान अपना हक मांगते मांगते मर गए, लेकिन इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगा। वही परिस्थिति पिछले 20 से 25 सालों से गुजरात के किसानों की है। और मुझे इस बात पे बड़ा गर्व है कि मेरे भाई हरपाल सिंह चुड़ासमा जी इस तरीके की एक पदयात्रा धंधुका विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, जो किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है, जो भी किसानों के यहाँ के लोकल इश्यूज है उस पर बात कर रही है और उनको जागरूक कर रही है। किसान क्रांति मंच की पदयात्रा में आज हमारे अपने 50वां गांव से 21 दिवस की यात्रा 335 मीटर ऊपर यात्रा थी आवड़िया। दरेके दरेक गाम की अंदर खेडूतना मुद्दा, खेडूतनी चिंता और खेडूतनी वेदना जे रही लई अपने निकल्या। बीजू खास आ विस्तार की अंदर जे अपने एक्सप्रेस हाईवे आप काम थानू पीपड़ी थी लैने से बावलियेरी होती ई एक्सप्रेस हाईवे 5 मीटर की ऊंचाई अपने ती हाईवे बनवा 5 मीटर की ऊंचाई जे आप हाईवे बन से 50 नाणा खाली मुकवाना। जे पानी अतरे अपने आखू दरिया में जे पानी जाए चौमा ई खाली 50 नाणा में पानी काढ़वा प्लान है। हवे जो 50 नाणा में जो पानी काढ़े तो आता 5 वर्ष पछी आ विस्तार की अंदर लगभग 100 गाम की अंदर एक कृत्रिम सरोवर अपने एनु अपने आखू उभू थशे। एकपण खेडूत एकपण खेतमजूर गाम में नहीं रही सके, कोई सीम में नहीं जाइ सके, एवी पोजिशन अंदर एक खेडूत अंदर जागृति आए कि 5 वर्ष पछी हूँ थवानू छे। आ बात लईने अमे आपणे निकळ्या छे। बीजो अमारो मुद्दो छे कि भाई खेडूत जेवू माफ थवू जोईए। जो उद्योगपतिओना 21 लाख करोड़ रूपया ना जो आपणे देवा माफ करवामां आपणे આવતા હોય તો ખેડૂતનું દેવું શું કામ માફ કરવાનું ન આવે। આવા બધા મુદ્દાને લઈ અને આજ એક એક ગામની અમે પદયાત્રા કરી છે અને ખેડૂતને જય અને ટૂંકમાં ઝઘડવાનો પ્રયત્ન છે અને ખેડૂતમાં પણ એટલો બધો ઉત્સાહ તમે ગામે ગામ તમે જુઓ આપણે આખી યાત્રા તો ખેડૂત પણ એના પોતાના પ્રશ્નોને આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક લઈને આપણે આવે। અને બીજા 2016ની અંદર જે જમીનના રિસર્વેમાં જે આપણે થયા કોકની જમીન કોકના નામે ચડી ગઈ હોય, ખેડૂત બીજાનો ગરીબ ગામડાનો ખેડૂત જે રહ્યો મામલતદાર કચેરીમાં જાય ત્યાં ધક્કા ખાવાના, એ પછી પ્લાન્ટમાં મોકલે, પ્લાન્ટવાળા આપણે કલેક્ટર કચેરી મોકલે, કલેક્ટર કચેરીવાળા જે રહે લેન્ડ કચેરી મોકલે। સરકારની એવી એક પણ ઓફિસ નથી કે જ્યાં પૈસા વગર કામ થતું હોય, જ્યાં ફ્રીમાં કામ થતું હોય અને ધક્કા ખાવાના પૈસા આપવાના। તો આ ભૂલ ખેડૂતોએ કરી છે કે સરકારે કરી છે? આ ભૂલ સરકારની છે અને સરકારે આ ભૂલ સુધારવી જોઈએ। ખેડૂતને ધક્કા ખાવાનું બંધ કરાવવું જોઈએ, ખેડૂતને પૈસા કે લાંચ દેવી પડે છે એ પણ બંધ કરાવવી જોઈએ। આવી બધી માંગોને લઈ અને કિસાન ક્રાંતિ મંચ ધંધુકા વિધાનસભા વિસ્તારમાં દરેકે દરેક ગામની અંદર જવાની છે। પ્રવીણ ભટ્ટ સાથે લાઈવ 24 ન્યૂઝ બરવાડા।